बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पालिका की आय में इजाफा करने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढा है। पालिका ने नगर क्षेत्र के अंतर्गत कबाड़ बीनने का ठेका दे दिया है। इस कार्य से नगर पालिका को हर साल 18 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि कबाड़ बीनने वालों द्वारा अक्सर चोरी की घटनाएं भी की जाती थी, लेकिन अब टेंडर हो जाने के उपरांत कबाड़ियों द्वारा की जाने वाली चोरी की घटना को भी रोका जा सकता है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगर क्षेत्र में अब अधिकृत कबाड़ी या उसके द्वारा नियुक्त आदमी ही कबाड़ उठा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपना कबाड़ उसी व्यक्ति को दें जिसके पास नगर पालिका द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र हो। नगर पालिका की आय अर्जन के क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। नगर पालिका परिषद बागेश्वर से 2 अक्टूबर को पेपर में निकाली गई एक योजना जिसमें टेंडर डाले गए, जो यहाँ के कबाड़ी थे बागेश्वर जिले के, वो सब लोग बाहर के रहने वाले हैं और वो सब यहाँ एक अवैध तरीके से काम कर रहे थे, जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन और ना ही कोई प्रूफ था, ना कोई जीएसटी थी और ना कोई नगर पालिका को आया होती थी। इसलिए ये नगर पालिका वालों ने एक टेंडर डाला जिसमें सब सारे लोगों ने आके भाग लिया। भाग लेने के बाद उस पर टेंडर मेरा, मैं अहमद हसन मंडल सिरा बागेश्वर से, तो ये मेरा टेंडर खुला। ये फर्मों के लिए सूचित किया गया, जो यहाँ मेरा पूरे बागेश्वर में मेरी फर्म है और मेरी रजिस्ट्री नंबर है, और मेरी रजिस्ट्री नंबर से ये टेंडर खुला और ये टेंडर पास होकर फिर ये मैं यहाँ का ठेकेदार बन गया और ये मेरा काम अभी है। अब सारे लोग यहाँ के जितने भी कबाड़ी हैं सारे फेरी करके मेरे पास माल लाएंगे, बेचेंगे और इसको नगर पालिका को यहाँ से आया होगी और इसको सरकार को भी आया होगी और जितने भी मतलब यहाँ की जनता है उनसे मेरी सूचना है कि ये मतलब कोई भी कबाड़ी आपके यहाँ फेरी करने जाए तो उसका आई कार्ड नगर पालिका का दिया हुआ जरूर चेक करें। धन्यवाद जी। देखिए, हमने नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार हमने एक नया प्रयोग यहाँ पर किया है कि जो नगर पालिका क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव-गांव में जो कबाड़ कलेक्शन के लिए या कबाड़ खरीदने के लिए जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और वो कबाड़ ग्रामीण लोगों से कबाड़ खरीदते हैं या बाजार से खरीदते हैं, तो उन लोगों पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता भी थी, क्योंकि कई बार चोरी चकारी का भी डर रहता था और भारी लोग आते थे जो जिनका कि पुलिस सत्यापन वगैरह भी नहीं रहता था, तो उन पर हमने उनको कंट्रोल करने के लिए और नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को हमने टेंडर के माध्यम से हमने रखा कि हमने एक टेंडर कॉल किया कि जो भी नगर पालिका क्षेत्र में कबाड़ खरीदेगा या कबाड़ कलेक्शन करेगा तो वो नगर पालिका के द्वारा करेगा, तो उसमें जो है हमने एक टेंडर किया जिसमें हमने एक मिनिमम जो धनराशि थी वो नगर पालिका को देने के लिए टेंडर किया, तो उसमें जो है कई लोग उसमें आए, करीब 7-8 लोग उसमें आए और हमारा वो टेंडर जो है अब हमने उसका टेंडर हो चुका है और एक व्यक्ति के नाम पर वो टेंडर हमने इशू किया है। तो उससे क्या होगा कि अब जो नगर पालिका क्षेत्र में जो भी कबाड़ खरीदेंगे, एक तो वो जो है नगर पालिका से जो टेंडर हुआ है तो वो लोग इसमें सिर्फ एक ठेकेदार है और उसके आदमी जो है उसमें मैक्सिमम हमने 30 आदमियों को अलाउ किया है और उन 30 आदमियों के पास जो है एक तो पुलिस सत्यापन होगा और दूसरा जो है नगर पालिका का पहचान पत्र आई कार्ड उनका दिया जाएगा वो रहेगा, और इससे जो है नगर पालिका को भी आय होगी क्योंकि हमने एक मिनिमम इसमें धनराशि रखी थी पर अपेक्षा से उससे भी बहुत अधिक हमको इससे आय हो रही है। इससे हमारी जो है लगभग वो हमको हर महीने 1,51,000 रुपये यानी साल में करीब 18 लाख से अधिक की आय नगर पालिका की बढ़ गई है, और मैं समझता हूँ कि नगर पालिका की यह अभी तक की सबसे अधिक आय है जो हमें कूड़ा से मिलेगा, और इस कूड़े में कूड़े को जो कलेक्शन करके ले जाएगा वो बाहर अपना बेचेगा और उसको हमने बता दिया कि वो जहाँ भी कूड़ा रखेगा वो नगर क्षेत्र में वो नगर की सुंदरता भी ख़राब नहीं करेगा और कबाड़ जो है उसको जो है ढक के रखेगा, और साथ ही जो है नगर पालिका की एक अच्छी आय हमें मिल रही है और इससे जो है चोरी चकारी पर भी प्रतिबंधित रहेगा। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, तो आप जिस को कबाड़ हम देंगे तो क्या वो रजिस्टर्ड आदमी होगा या उसके पास नगर पालिका का कोई आई कार्ड होगा, क्या जी, कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर पालिका क्षेत्र के सभी ग्रामीण लोगों से या जो हमारे नगर क्षेत्र में या बाजार में जो भी हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा कि अगर आपके घरों में अगर कोई कबाड़ी कबाड़ लेने आ रहा है तो आप उससे जो नगर पालिका द्वारा जो हमने जिनको अलाउ किया है उनके पास एक आई कार्ड नगर पालिका का रहेगा और उन्हीं को अपना कबाड़ बेचें, और अन्यथा जो दूसरे आएंगे उन्हें वैसे तो अलाउ है नहीं, उनको यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में कबाड़ कलेक्शन के लिए वो जा भी नहीं पाएंगे। यदि कोई जाता है तो उसकी शिकायत भी करें और उसको कबाड़ न दें, और जिनको हमने आई कार्ड जारी किया है उन्हीं को अपना कबाड़ वगैरह जो बेचना है जो रद्दी वगैरह है वो उसी को दें। नगर पालिका ने रेट भी इसमें निर्धारित किए हैं या फिर कबाड़ का रेट वो ठेकेदार तय करेगा? जी हमने इसमें रेट फिक्स नहीं किए हैं, वो तो जो मार्केट रेट जो कबाड़ जो तय करेगा
वो आप ग्राहक हैं, आप अपने अनुसार जो है वो उनके रेट जो होंगे उसमें आप जो भी मोल भाव करना है वो आप करेंगे। इससे सिर्फ हमें जो आय हो रही थी नगर पालिका को, वो अपेक्षा से बहुत अधिक हो रही है। और मैं इसके लिए सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ कि हमारे नगर पालिका में आय का एक अच्छा साधन हमको मिला है, और मैं चाहता हूँ कि इस पैसे से हम नगर के विकास में हमारा और धन इसमें खर्च कर पाएंगे। तो आप ये कहा जा सकता है कि इसमें बागेश्वर में ये पहला ऐसा प्रयोग है, इससे पहले भी इस तरह के प्रयोग है, ये किस्म का अभिनव प्रयोग है? बिल्कुल, ये जो है ये नगर पालिका बागेश्वर में तो पहली बार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि और जगह हुआ है नहीं हुआ है इसके मुझे जानकारी है नहीं, पर नगर पालिका क्षेत्र में इतनी आय जो हमारे 18 लाख रुपये जो हमको मिल रहे हैं साल के, वो हमें किसी और अन्य जो है हमारे जितने भी आय के स्रोत हैं उन सबसे नहीं हो पा रही है। और इससे जो है बहुत अच्छी आय मिल रही है, और इससे बहुत बड़ी ये है कि जो नगर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी वगैरह हो रही थी उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहें, और ऐसे लोगों अगर अगर जाते हैं उसको चिन्हित करके उसकी सूचना तुरंत आप पालिका को या पुलिस को इसकी सूचना दें। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।